बिहार, झारखंड और यूपी का महापर्व छठ हर साल रीति रिवाज और नियमों के साथ मनाया जाता है। इस दिन सूर्य की उपासना की जाती है और इसे शुद्धता का पर्व कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य की उपासना करने से लंबी आयु और ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सदियों से नए चूल्हे पर प्रसाद बनाने की परंपरा चली आ रही है। छठ पूजा का प्रसाद व्रती नए चूल्हे पर ही बनाया करती हैं। मान्यता है कि जिस चूल्हे पर खाना पहले से बनाया जा रहा हो उस पर प्रसाद नहीं बनाया जाता है, यानी जिस पर प्रसाद बनेगा वो चूल्हा एकदम नया होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर जिस चूल्हे पर हम खाना बनाते हैं उस पर लहसुन प्याज और नॉनवेज बना होता है, जिस पर हम प्रसाद नहीं बना सकते। और कहा जाता है कि प्रसाद बनाते वक्त वैसे चूल्हे या बर्तन का प्रयोग करना चाहिए जिसमें नमक की चीज़ें कभी ना बनी हो। इसलिए हर साल लोग मिट्टी के चूल्हे बाजार से खरीदा करते हैं और इसकी तैयारी में कुम्हार बहुत दिनों से लगे रहते हैं। कब से आप लोग चूल्हा बनाना शुरू कर देते हैं? हम लोग आषाढ़े से बनाना शुरू कर देते हैं। आज 500-600 बनता है चूल्हा, मुश्किल से 100 को निकलता है। ये शुद्ध माना जाता है, ये छठ पर्व का पहला ये शुद्धता चूल्हा है। बहुत सारा मिट्टी मिला के चूल्हा को तैयार किया जाता है उसको। और कितना दिन बनने में लगता है एक चूल्हा? क्या 10 एक दिन में तैयार हो जाता है। ऐसे ही छठ पूजा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे द टाइम्स मीडिया के साथ, मैं प्रियंका। बने रहे thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।